भिंड भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रमुख शहर है जो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। ट्रेन यह शहर भौगोलिक रूप से बिहड़ उपजाऊ जमीन और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। इस शहर का नामकरण विन्नी ऋषि के नाम पर किया गया है। दोस्तों, अगर हम भिंड भूभाग के इतिहास को खंगाले तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर भारत के कई प्रसिद्ध राजवंशों का आधिपत्य रहा है, जिनमें भदौरिया राजा प्रमुख थे, क्योंकि यह शहर भदावर ठाकुर राजाओं का गढ़ माना जाता है। उस समय भदौरिया राजाओं के नाम पर भिंड को भदावर भी कहा जाता था। ट्रेन यह चंबल क्षेत्र पहले डकैतों के कारण भी पहचाना जाता था। युगों से भिंड डकैतों, लुटेरों या ठगों की लूटमार से ग्रस्त रहा है। मुगल काल के दौरान भी शक्तिशाली प्रशासन इन खतरों को रोकने में विफल रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजादी के बाद से यहाँ के लोगों को एक नई पहचान मिली, वो देश की सेवा में संलग्न हो गए। यहाँ के लोग सेना में जाकर देश की रक्षा करते हैं और भारत माता की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले वीर सपूत निवासियों का ये शहर आज एक नई दिशा की ओर बढ़ चला है। ट्रेन यहाँ पर अति घने जंगल पाए जाते हैं। इस शहर में आरक्षित वन क्षेत्र 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 108 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र पाया जाता है। ट्रेन अगर बात करें इस शहर के क्षेत्रफल की तो यह शहर 4459 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और 2011 की जनगणना के अनुसार भिंड की जनसंख्या 17 लाख के लगभग है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील भिंड जिले की रोन तहसील है। दोस्तों, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भिंड शहर से 22 किलोमीटर दूर चंबल नदी पर स्थित है, जो भारतीय घड़ियालों, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य की स्थापना 1978 में की गई थी। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का क्षेत्रफल 435 वर्ग किलोमीटर है। इस अभयारण्य की सीमा तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। फ्रेंड खनिज संपदा के क्षेत्र में भिंड जिला समृद्ध नहीं है। यहाँ केवल चुना पत्थर पाया जाता है। यहाँ पर सीमेंट कारखाना और मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है। इस शहर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है। इस शहर की प्रमुख फसलें सरसों और गेहूं हैं। इन फसलें की सिंचाई का प्रमुख स्रोत नदियां हैं। इस फसलें की सिंचाई चंबल, सिंध एवं उनकी सहायक नदियों कुवारी, वैशाली और पहुंच से होती है। ट्रेन यह शहर समुद्र तल से 140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह शहर भोपाल से 517 किलोमीटर दूर है और भारत की राजधानी दिल्ली से 374 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर है। भिंड जिले में प्रशासनिक विभाजन उपमंडल, ब्लॉक और तहसील में किया गया है। इनके मुख्य अधिकारी SDM, BDO और तहसीलदार होते हैं। भिंड जिले में 9 तहसील है, जैसे भिंड, अटेर, लहार, महगांव, मौ, रौन, मिहुना, गोहद, गोरमी है। दोस्तों, अगर बात करें शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में तो इस शहर में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं, जैसे भिंड का किला। भिंड का किला एक ऐतिहासिक स्थल है। यह भिंड में घूमने की सबसे अच्छी जगह है। यह एक प्राचीन किला है। इस किले में आपको बहुत सारी प्राचीन वस्तुओं का संग्रह देखने के लिए मिल जाएगा और आप ये बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। वनखंडेश्वर मंदिर भिंड। वनखंडेश्वर मंदिर भिंड जिले का एक धार्मिक स्थल है। यह मंदिर शिव भगवान जी को समर्पित है। यह प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग पृथ्वीराज चौहान के द्वारा स्थापित किया गया था। इस मंदिर में अखंड ज्योति जल रही है, जो प्राचीन समय से जल रही है और अभी भी जल रही है। इस मंदिर में सोमवार को बहुत भीड़ होती है। महाशिवरात्रि में यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। गौरी तालाब भिंड। गौरी तालाब भिंड शहर का एक मुख्य पर्यटन आकर्षण है। यह एक बहुत बड़ा तालाब है। यह तालाब भिंड शहर के बीचों बीच में स्थित है। तालाब में बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। फिर पास में एक पार्क भी है, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। नक्षत्र वाटिका। नक्षत्र वाटिका भिंड शहर में स्थित एक खूबसूरत पार्क है। यहाँ पर आपको तरह तरह के पेड़ पौधे देखने के लिए मिल जाते हैं। यह पार्क मुख्य भिंड शहर में ही स्थित है। दोस्तों, इनके अलावा भी जैसे गोहद का किला भिंड, अटेर का किला और भी कई सारे खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस मौजूद है। पर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।